आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ फेदर डायग्राम, यानी कि फेदर डायग्राम बनाने के कुछ बेसिक कंसेप्ट। हम फेदर डायग्राम क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि हमें फेदर डायग्राम हमें बनाना पड़ा, तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही ईजी है, तो समझने के लिए आप बने रहिए। फेदर डायग्राम सबसे पहले हम देखते हैं ये क्यों बनाते हैं। फेदर डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप को एसी वेवफॉर्म के थ्रू समझाते हैं तो वो हमारे लिए कठिन पड़ता है, इसलिए हम फेदर डायग्राम बनाते हैं। फेदर डायग्राम क्यों बनाते हैं, तो फेदर डायग्राम जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप दर्शाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आप याद रखिए कि फेदर डायग्राम हम वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप दर्शाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हम फेदर डायग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम फेदर डायग्राम को अगर हम वोल्टेज और करंट, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पॉइंट है कि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप को अगर हम वेव फॉर्म के द्वारा डिफाइन करें तो वो हमारे लिए थोड़ा कठिन काम पड़ता है। अगर हम मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज आगे पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हम एसी या ये जो वेव फॉर्म है इसके थ्रू समझाएंगे तो वो हमारे लिए बड़ा ही कठिन पड़ेगा और सही समझ में भी नहीं आएगा। तो फेदर डायग्राम हम लाइंस के थ्रू समझाते हैं, इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो रजिस्टर में देखिए, रजिस्टर सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है रजिस्टर, सेकंड है इंडक्टर, थर्ड है कैपेसिटर, ये तीन पैरामीटर लिए हैं। इसमें वोल्टेज करंट के बीच रिलेशनशिप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप क्या होता है कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज पर होते हैं। वोल्टेज एंड करंट जो होती है वो सेम फेज पर होती है। सेम फेज का मतलब एक ही लाइन पे होती है। हमने अगर कोई रेफरेंस पॉइंट माना, कोई भी इन दोनों में से किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हम। हमने यहाँ पे अगर वोल्टेज मान लिया तो करंट जो होगी इससे इसी फेज में होगी, यानी इसी लाइन पे होगी रजिस्टर के केस में। ठीक है, हमेशा करंट जो होगी वोल्टेज से पीछे रहेगी क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है। तो जो करंट होगी वो वोल्टेज के साथ एक ही फेज में होगी। ठीक है, इसके बाद हम इंडक्टर में देख लेते हैं। जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज को हमने रिफरेंस पॉइंट माना तो करंट जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। ये देखिए 90 डिग्री क्या करी, लैग हो गई, यानी नीचे की तरफ 90 डिग्री झुकी हुई है। कैपेसिटर की बात कर लें तो कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज को अगर हमने रेफरेंस पॉइंट माना, हमने एक लाइन खींच दी रेफरेंस पॉइंट, इसको अगर माना हमने वोल्टेज को, तो कैपेसिटर में करंट जो होती है 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लीड कर रही है। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सिविल, ये आपको याद रखना है, कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये वोल्टेज है, कैपेसिटर है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये क्या है, इंडक्टर, यानी ये दोनों जो हैं, ये दोनों करंट हैं और ये वोल्टेज है, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के जस्ट आगे करंट है, इसका मतलब करंट जो है कैपेसिटर में लीड करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से। ठीक है, करंट जो है लीड करता है, और इंडक्टर के जस्ट पहले करंट है, यानी कि करंट जो है इंडक्टर में लैग करती है, इंडक्टर में करंट क्या कर रही है, वोल्टेज से लैग कर रही है। इसको हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट माना था इंडक्टर में वोल्टेज को, अगर हम करंट को रेफरेंस पॉइंट माने तो वोल्टेज क्या हो रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में अगर हमने इसको करंट को रेफरेंस पॉइंट माना तो हम जानते हैं कि करंट जो होती है वोल्टेज से लीड करती है, और वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है, यानी कि पीछे की तरफ है,
यानी इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से बना देंगे, ये वोल्टेज, यानी इसको हम पलट दें तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम कुछ बेसिक, और इसी बेसिक का यूज करके हम आगे जितने भी चीज़ हैं, जितने भी फेजर डायग्राम हैं, उनको बनाएंगे बहुत ही आसानी से। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।